भाई वो है चुटकुल भाई, चिप्स फट गए, वो चिप्स फट गए, फट करके आवाज आई जोर से। 11,500 फीट का मजाक नहीं है भाई, चलते हैं खतरनाक से एकदम पानी में। भाई चिप्स फट गए, वो चिप्स फट गए, फट करके आवाज आई जोर से। फट गया चिप्स, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई, समझ लो इससे कितना एयर प्रेशर होगा। तुम्हें दिखा दो चिप्स जल्दी से। फटी है, मतलब हम हर ट्रिप में सोचते हैं चिप्स कब फटेंगे, क्या होगा इसके साथ, फटते भी है कि नहीं। ओ भाई साहब फट गए, लिटरली टॉक करके आवाज आई जोर से, मैंने कहा ये क्या फटा, फिर स्मेल आनी शुरू हुई 2 मिनट में। मैंने कहा ओ ये तो वो है चिप्स। और ये भाई बैठे हैं, ये बना रहे हैं पहाड़ों की फोटो, बहुत सुंदर सुंदर भाई। बट ये गजब है, गजब है, मतलब फट सकता चिप्स तुम्हारा, देख लो तो। इसका खाने पड़ेंगे, ये भगवान का इशारा है कि इसे खत्म किया जाए जल्द से जल्द। ये लो खाओ, शुरू करो आप। हम पंगा लेके थोड़ा सा नीचे आ तो गए हैं, सोच रहे रिवर्स साइड जाया जाए कोई, ठीक है, बहुत ज्यादा ढलान है नीचे की तरफ तो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा स्कूल है, ओ वो स्कूल है, क्या बात है, हमें वहां पे जाना है। जानो खड़े हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है वहां से तो। चलो भाई थोड़ा रास्ता पथराव वाला है, हमको दिक्कत नीचे जाने में नहीं है, दिक्कत ये कि ऊपर चढ़ानी है फिर से। बट वैसे बहुत कम गाड़ी है जो आई है नीचे, तो इसलिए दिक्कत होगी नहीं। ये बजेगी नीचे, ए, ए, बची पता। तो भाई नीचे पहुंच गए हम बिल्कुल नदी के पास, आवाज पता नहीं आ रही होगी, आवाज दिक्कत इसलिए कि यार हवा बहुत तेज चल रही है, गाड़ी खड़ी करती है, सामने जा रहे हैं। क्या प्यारा व्यू है नदी के पास, बिल्कुल अल्टीट्यूड ना भाई, बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड है, 11,500 फीट का मजाक नहीं है, मतलब गला सूख रहा बहुत ज़्यादा, सांस चल रही है, एंड जितना कुछ हो सकता हो भाई क्या करें, ऐसा ही है। तो दिस इज ऑल्सो भाई, जगह बहुत बहुत सुंदर जगह है। माइक में आवाज़ नहीं आ रही हो तो भाई सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी, बट हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, पानी में आ चुके हैं पानी की तरफ। भाई साहब कितना प्यारा व्यू है, मेरे पीछे पानी है भाई, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भाई गॉड। और धूप हो चुकी थोड़ी कम और उसकी वजह से थोड़ी ठंड ज़्यादा, भाई साहब इतना प्यारा लग रहा है, धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ा भी बहुत प्यारा लग रहा है पानी। ये ऑल टाइम, मतलब हर वेदर जो वेदर हो, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे जो मर्जी हो, भाई ये पानी चलता ही चलता है, फिर पानी रेगुलर रहता है, जमता नहीं साइड में, जम जाए अंदर नहीं जमता यार। ये हमें और किसी ने नहीं, पुलिस वालों ने बताया, वहाँ के बहुत ही प्यारा व्यू है। हम अब वहाँ से उड़ के मतलब अब वहाँ से उड़ के जाएंगे और उधर जाके हम बैठेंगे वहाँ पे बिल्कुल, और वहाँ फोटोज क्लिक कराएंगे, लोग आ गए हैं पूरे, एंड लेट्स सी, बहुत ही प्यारा व्यू है। एंड हम चलते हैं आगे और चाय करा ली हमने, पानी की बोतल गिर ना जाए, तो आगे चलते हैं। और भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस एवर कि चुटकुल आए हम, नहीं तो भाई स्टोरी लाइन सुनाऊंगा ना, इतने सारे कि मना कर दिया, ये हो गया वो हो गया, बहुत कुछ था, बट स्टिल हम आ गए, तो लाजवाब चुटकुल लाजवाब। अभी भाई बैठ के वेट कर रहे हैं चाय की, चाय के लिए बोल दिया हमने, और बहुत ही मीठा प्यारा प्यारा वेदर, बहुत ही खूबसूरत मौसम, खूबसूरत नज़ारे, मज़े आ रहे, देखो बस। अब इसके बाद मैं लगाता हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सिनेमेटिक्स, स्लो मोशंस, जाओ जाके देख के आओ फटाफट, और बताना कमेंट सेक्शन कैसे लगे। I don't wanna fall in love.
भाई चलते हैं खतरनाक से एकदम पानी में निकलते हुए भगवान का नाम लेके। चलो भाई, एक तो जूतों में ना मिट्टी मिट्टी आ रखी है तो इस वजह से भी दिक्कत है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत नजारे हमारे साथ पानी के, पहाड़ों के, कह नहीं सकते इनका मुकाबला नहीं कहीं। मतलब देखो यार, यहाँ बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स आएंगी, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, देखो कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। टाइम बाद इतने सुंदर व्यू से हम जा रहे हैं वापस, इतने सुंदर व्यू से जाने का मन नहीं है बट जाना पड़ेगा फिर से दोबारा क्रॉसिंग करके। चिटपुल से निकल नहीं रहे बट यहाँ इस प्लेस से निकल रहे हैं और ऊपर जाएंगे इंडिया के लास्ट ढाबे में एंड मज़ा करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। और भाई साहब वो देख रहे हो वहाँ जाना रास्ते पे, एलिवेशन दिख नहीं रही ढंग से बट वो बंदा स्कॉर्पियो वाला चढ़ा रहा है भाई साहब, वो टॉप तक जाना है हमको आगे। चलो भाई चले। भाई चढ़ाई शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है, बहुत ज्यादा। जगराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। सुबह चुटकुल में है हमारा हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, दूरी 100 मीटर, पता नहीं किस साइड को दूरी 100 मीटर बट चुटकुल का आखिरी ढाबा हिंदुस्तान, और चुटकुल कह रहा हूँ हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चुटकुल। और ढाबा नीचे पूरा चल रहा है सही, बहुत सुंदर व्यू है भाई। ढाबा डूबा तो ऑलमोस्ट फुल था, जितने भी वर्कर्स वगैरह थे वो सब खा रहे थे खाना, तो लंच टाइम है तो यहाँ पे फुल रहा है ढाबा। तो हम आगे देख रहे हैं किसी कैफे कूफे में जाएं फिर, बट बहुत बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस। चुटकुल आना चाहिए पर वाट लगेगी भाई। ये कैफे देखा हमने जो कि हिमालयन ट्राइब ऑफिशियल लिखा हुआ था, कह रहे हैं भाई आधे घंटे मिलेगा सामान, पता नहीं देखते हैं आगे क्या करना है हमको। सांगला चुटकुल क्या बात है भाई, ये है हॉस्टल चुटकुल का हॉस्टल। ये पूछ के आया हूँ मैं यहाँ से, रूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत। ये भी है भाई, और कहीं तो मिला नहीं खाना यहाँ शायद है। सो भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला खाने को, कुछ नहीं मिला था सेंस की स्टाफ लंच पे गए हैं, स्टाफ कम है तो इससे दिक्कत बहुत है। तो अभी कह रहे हैं 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इंस्टेंट बेचारे मैगी है तो सोच रहे मैगी खाएं ना खाएं पता नहीं, लेट्स डिसाइड। तो बहुत ज़्यादा सूख है, चलो लेट्स गो, देखते हैं कहीं कुछ हो खाने को मिले तो। अभी राजमा चावल ऑर्डर किए हमने, 2 राजमा चावल और हमने ये ले लिया एक नींबू फ्रेश स्प्राइट। बैठे बैठे भाई 15-20 मिनट हो गए हैं, अभी तक आया नहीं है। राजमा चावल मंगवाए हैं, स्प्राइट स्प्रूट और नींबू ले लिया है यहाँ से, वो ख़त्म कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लंच टाइम पता नहीं क्या दिक्कत है चुटकुल में, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट चलो अभी राजमा चावल ले लेते हैं, खाते हैं। अभी कितनी देर में आएगा उसका निकलेंगे
देखते हैं आगे कुछ नया प्लान करते हैं कि सांगलाई रुकते हैं। लेट्स सी क्या कहता हो। बिस्ला बज रही है, 5 मिनट बज रही है। आपको फ्रेश खाना मिला पूरे दिन टाइम, आपको फ्रेश खाना मिला हर टाइम। आप ये देखो स्पेशली भाई, नहीं रुक रहे हम, चल रहे हैं क्योंकि अभी उसने राजमा सिर्फ रखे हैं, सीधा टाइम लगेगा बहुत। सो कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट तो लगेंगे। कहा यार गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं आगे। पहले पता होता तो निकल चुके होते, सांगला जाके मतलब 1 घंटा दूर है, सांगला जाके खा लेते हैं। फोन करते उन्हें भी 1 घंटे खाना बनाना सी, आधा घंटा तक पहुँच भी जाना। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं, ऐसे भी करना अभी। और राजमा चावल तो नहीं खा रहे अभी, हम कैंसिल हो गया। चलो गाड़ी में चलाऊँ, तू बना दे। सो भाई निकलते हैं अब, मैं ड्राइव करने लगाऊँ एंड दिखाने को तो भाई सेम था रास्ता, तो सीधा से सांगला पहुंचते, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, कुछ वहाँ पे खाए हैं और गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत खा लें और फटाफट निकलते हैं। ये 3 बज चुके हैं और आगे का भी प्लान कर रहे हैं कुछ हम, लेट्स सी होता कि नहीं। लो भाई चटकुल को बाय बाय कर दें, बहुत ही सुंदर अति उत्तम निकल रहे भाई चटकुल से, एंड बहुत ही प्यारा चटकुल भाई साहब, बहुत ही प्यारा है, मजे आ गए। देख लो इधर खुलना गया वो जो लेके गए थे ना, तुम्हारे पड़ोस में बैठे थे, वो कहते हैं हम पौना घंटा वहाँ बैठे रहे, बाद में कहते नहीं हमारे पास था। बहुत ही सुंदर है भाई चटकुल, आना हो तो भाई जरूर आना, प्लान जरूर। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबे पे ही काम होता है। सही बात है, निकलते भाई चटकुल से, बहुत सारे होम स्टेज और वो सब बन रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ पे एयरटेल बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल एयरटेल नहीं चलता, जीरो सर्विस, कोई सर्विस नहीं, एक डंडी भी नहीं आती, कॉल भी नहीं कर सकते, एंड जियो भाई फुल आता है यहाँ पे। मतलब जॉस्टो के सामने मैं खड़े होकर देखा तो भाई 25 Mbps 30 Mbps स्पीड आ रही जियो की। मैं गाड़ी चलाने कंसंट्रेट करता हूँ और वादियों को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं अभी हम और चलाते हैं गाड़ी। तब तक के लिए भाई आगे जाके मिलते हूँ आपसे, बने रहिए व्लॉग में। हम भाई रुक गए हैं बीच में थोड़ा सा, हमने सोचा कि यार आए हैं तो थोड़ा बहुत ना फोटोग्राफी वगैरह स्किल्स बाहर निकाला जाए, क्रिएटिविटी बाहर निकाली जाए, तो हम ये बहुत ही सुंदर पत्थरों वाली जगह पर रुके हैं। सो लेट मी टेल यू, ओके तो हम यहाँ पे रुके हैं भाई, ज़बरदस्त पत्थर वत्थर है यहाँ पे, मस्त इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये रीलें आपको वहीं मिलेंगी सारी। चलो भाई बनाता हूँ जाके मैं, बहुत सारी सही फोटोज भी आएंगी। कहाँ खड़े हैं पहाड़ के सेंटर में और वास इको हो रही मेरी पूरी, भाई साहब मजे यार यहाँ पे, मैंने बढ़िया बढ़िया फोटोज चाहिए भाई, रुकना चाहिए चिटकुल जाते हैं सबको यहाँ पे रुकना चाहिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे। सो भाई इन सड़क के बीचों बीच खड़े हैं और जो स्ट्रगल था वहाँ तक जाने का बहुत ज़्यादा, पत्थर वत्थर गिर सकते हैं, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी आ रही हैं, थोड़ा साइड हो जाते भाई नहीं तो वाट लग सकती है। बहुत बढ़िया व्यू भी देखो कितना बढ़िया यार, ठंड हो गई अब, बहुत बढ़िया फोटोज और रील्स बहुत बढ़िया आई है। सो मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ेदार। पहुंच गए भाई सांगला और टाइम हो रखा है 4:35, गाड़ी पूरी गंदी पड़ी गाड़ी, ये देखो अच्छे से गंदी पड़ी पूरी A to Z सारी गंदी हो गई है। और वापस हम पहुंच गए कि मैं लंच करना, हाँ आया मैं, जरा कपड़ा मार लूँ उस पर, थोड़ा हैंडल उंडल पे ना अच्छे से शीशा हैंडल साफ हो जाए, वो मिट्टी है भाई। भाई सीन अभी ये हो गया कि हम सांगला में रुक रहे हैं, पहुंच गए सांगला, तो सांगला में रुक रहे हैं, कल्पा जाने का सोच रहे थे कि कल्पा चले जाते हैं, बट कल्पा का सीन ये है कि भाई वहाँ पे एक दिन स्टे करने का चाहिए हमें टाइम, बट हम कल चले जाएंगे वापस, तो यहाँ तो अभी निकलें 1.5 घंटे का यहाँ से ड्राइव कल्पा और फिर वहाँ पे रहें और उसके बाद सुबह सुबह निकल जाएं। कल्पा में देखने को कुछ नहीं मिलेगा हमको क्योंकि वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भैया हैं उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई तो बहुत बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं। सो अभी यही सीन है कि हम यहीं पर रहेंगे सांगला में एंड देखते हैं मार्केट मुर्केट थोड़ा देख के आएंगे और लेट्स सी। मैं थोड़े थक गए हैं, बैन बजे भी रस्ते बहुत टूटे हुए हैं, मेरे को ये था टूटा रास्ते से आए हैं चलो मोमेंटम है निकल लेते हैं, क्योंकि आगे 25-30 मिनट का टूटा रास्ता, बहुत गंदा रास्ता है,
सो कोई नहीं, अभी देखते हैं सांगला में ही कुछ देख लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे और कल्पा फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है चिटकुल का, और शॉर्ट्स वगैरह अच्छे लगे, ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स आ रही हैं। और मैं भाई देख लो कहाँ खड़ा हूँ, और 5 बज चुके हैं, सो भी रूम में जाते हैं एंड देखते हैं अभी जाना है कि नहीं जाना है, लेट्स सी मार्केट।